कितना टाइम हुआ? 3 साल. नॉनसेंस. हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द एबनॉर्मल कपल. बिले बिले. एज यू हैव रेड बाय द टाइटल, ये होने वाला है Q&A व्लॉग. हमने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम उसका एक पूरा व्लॉग बना के सभी को आंसर्स करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और फर्स्ट क्वेश्चन है, लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज? तेरी कौन सी? मेरी तो लव मैरिज है. मेरी भी शायद लव मैरिज है. तो मेरी लव मैरिज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ? 3 साल. नॉनसेंस. तो 3 साल हो गए ना अभी? अभी हुए थोड़ी है. हां बट हो गए ना, जून में होंगे. जून में होंगे ना. तो आज तो 3 साल हुए. जून का भी अभी कितने? 2.5. 2.5. कुछ पता नहीं. अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्साइटेड रहता है वीडियोस बनाते टाइम? वन एंड ओनली अंदू. मैं तो सिर्फ अंदू के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करती हूं ना. मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, एडिटिंग आती है. सिर्फ अंदू जो बोलता है मैं वही. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना कॉमेडी वीडियो की आइडिया कहाँ से मिलती है? क्या मेरी तारीफ करा करूँ भाई? मैं कुछ और पूछो. मेरे तो कभी तारीफ मतलब वीडियो का पूरा A to Z जो भी होता है वो सब आदमी ही सोचता है. छोटे सोचता है कभी कभी. थोड़ा थोड़ा. How do you convince him for makeup and dresses? भाई मैं बोलता हूँ सामने से कि ऐसा करते हैं, ये कुछ कभी नहीं बोलती, ये तो मना करती है. ऐसे सब क्या आइडियाज लेके आते हैं? सीधे सीधे वीडियोस बनाता हूँ तो ये सब किसके आइडियाज होते हैं कि चल मैं तेरा वो मेरी साइज के ढूंढने पड़ते हैं उसमें. अब ऑल्टरनेशन करो तो ऑल्टरनेशन खोल देते हैं, फिर आते वो मेरे कपड़े पहनते हैं. उसके ही आइडियाज होते हैं मेरे. आप दोनों कैसे मिले? अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ. बताओ क्या? बता तू. मेरी बेस्ट फ्रेंड है, किसकी बहन की बर्थडे पार्टी में गई थी तो तब प्यार आनंद फर्स्ट टाइम मिले थे. 17 जैन को मिले थे, 27 जैन को आनंद ने मुझे प्रपोज किया. तो 10 दिन में तो फ्यूचर देख सकते. तो ये 10 दिन की लव स्टोरी थी. हमारी एज, मैं 25 की हूँ. अब 26 की हो जाऊंगी अक्टूबर में. एंड 29 का है. फैब में 30 का हो जाए. यू बोथ आर लिविंग अलोन और विद पेरेंट्स? तो अभी हम अहमदाबाद में सिर्फ 4 जन रहते हैं, हम दोनों और आनंद के भैया. मेरे भी हुए ना हमारे भैया. हमारे भैया. कितने इयर्स हो गए आपके रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप को 3 साल हो जाएंगे. शादी को 2.5 ईयर. मैंने बोला ना तू रहने. आप लोग कहाँ से हो? अहमदाबाद. अहमदाबाद गुजरात. मैंने मेरे इंस्टा बायो में भी लिखा है अहमदाबाद, फिर भी लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ. आप बेबी प्लान कब कर रहे हैं? अभी 30-40 साल बाद. नंदू मुझे पाल पोस के बड़ा करेगा, फिर हम हमारा अभी ला देंगे तो ट्विंस हो जाएंगे. एक ये और एक बच्चा. फिर नंदू बेचारा क्या करेगा? योर इंस्टा इनकम कुछ नहीं है भाई. इंस्टा से ऐसा कोई इनकम नहीं आता. जो भी ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं तो ब्रांड हमें पे करते हैं. बाकी इंस्टा एक कोई भी हम जैसे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते हैं तो उसमें हमें कोई इनकम नहीं आता है. तो ये गलत फहमी है कि इंस्टा से इनकम आती है. सिर्फ जो ब्रांड के कोलैबोरेशंस होते हैं वही हमें पे करते हैं. व्हाट इज सीक्रेट बिहाइंड योर क्रेजीएस्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप? जैसे है वैसे ही है. हम वीडियोस में भी वही दिखाते हैं जो हम रियल लाइफ में. हु गेव मोस्टली लेक्चर? मुझे लेक्चर देता है. हमारा मोस्टली झगड़ा भी सिर्फ हम रील शूट करते हैं तभी होता है, क्योंकि मैं सीरियसली नहीं करते. हंसने में करती रहती है. जैसे आप लोग रियल लाइफ में रह के दिखाते हो एज सेम यू आर लिविंग इन द रियल लाइफ. Yes. हम ऐसे ही है. हम क्या करें? इवन लोग हमको अभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग सच में मैरिड हो? लोग सिंदूर लगा के घूमोगे? तो हम ऐसे ही है रियल लाइफ में. किरण पटेल एंड संजू तुम्हारा शू थाय छे अने तमे भेगा रहो छो? इसका मतलब मैं आपको पहले हिंदी में बता रही हूँ कि किरण पटेल और संजू से आप दोनों का क्या रिलेशन और क्या आप दोनों साथ में रहते हो? वो मेरा बड़ा भाई है, मुझसे 2 साल बड़ा है. हम साथ में रहते हैं एक ही घर में. किरण जो मेरी फ्रेंड है वही मेरी जेठानी है. तो हम चारों एक ही घर में रहते हैं. अब वो मेरे जेठ जेठानी, वो आलू का बड़ा भाई और भाभी.
What do you do professionally other than YouTube video and Instagram video? Instagram था उसके पहले हमारा restaurant था CG road पे, तो अभी recently हमने वो बंद करके उसका हम shifting के लिए सोच रहे कि कहीं और area में shift करते. If your marriage is love, then please tell me who proposed first, who made first move. Anand Kharchalia made first move. सब अपुन नहीं करे बे. Hey Anand, you are a Gujarati in Vaishali, you are non-Gujarati, but the accent of Vaishali is like Guju. मेरा born brought up यहाँ का ही है, तो वो accent automatically आ जाता है. मैं full on Gujarati समझती हूँ, बोल भी लेती हूँ, but schooling और सब वो English medium से, तो वो हिंदी ही आता. मेरे घर में भी हम लोग हिंदी में बात करते थे इसलिए, और मैं शादी के बाद इवन आनंद के घर वाले भी मेरे से हिंदी में बात करते, तो कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं गुजराती में बात करूँ, बट वो एक्सेंट आता ही है. यहाँ का बोल कट. Were you both interested in making reel from the start? नहीं, हमारे यहाँ पहले के वीडियोस देखोगे ना तो मतलब थोड़े चक्कर आ जाएगा आप लोगों को कि ये लोग देख. इवन हमारे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि प्लीज तुम लोग बंद कर दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें ब्लॉक कर देंगे. तो मतलब ऐसा कुछ स्टार्टिंग से था नहीं कि हमें इसी फील्ड में रहना है, बट ये तो आनंद को ज्यादा इंटरेस्ट था इसलिए हमने धीरे धीरे ट्राई करा. फिर हमारा एक आधी रील अच्छा मिलियन में गया, तो फिर हमने सोचा चलो कुछ करते हैं, और फिर धीरे धीरे लोगों को मतलब जो हम रील्स वगैरह बनाते हैं वो अच्छे लगने लगे, तो फिर हमने ये चूज करा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम लोग डेली व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट नहीं करते. तो मतलब हम चार जन घर में रहते हैं, और मोस्टली जैसे कि संजू के और उनके उसमें बिजी रहते, वो लोग भी वीडियोस वगैरह बनाते, तो लास्ट में बचे हम दोनों. तो मैं ब्लॉग में दिखाऊ क्या हम दोनों पूरा दिन क्या करते? कुछ नहीं करते. चार पांच बार चाय पीते हैं, खाना खाते, तो मतलब कुछ कहीं जैसे हम बाहर गए, ट्रिप पे गए, तो अभी हम वो स्टार्ट कर देंगे क्या? वो छोटे छोटे ब्लॉग्स जो होते कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ नया कुछ ट्राई करें, तो हम धीरे धीरे उसका ब्लॉग स्टार्ट करेंगे. डेली ब्लॉगिंग भी हम ट्राई करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग हम दिखा पाए. तो ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें इंस्टाग्राम पे रिपीटेडली आ रहे थे, और मतलब मोस्टली क्वेश्चन यही थे लव मैरिज, अरेंज मैरिज है आपकी, एज के बारे में, और बेबी प्लान. तो मोस्टली यही क्वेश्चन थे, तो ये हमने उसको छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है कि हमारे पर्सनल लाइफ के रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, तो हमने छोटा सा ब्लॉग उसके लिए बनाया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसमें अच्छे अच्छे लाइक्स व्यूज एंड कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग किसके बारे में चाहिए, और क्या कुछ मिस्टेक्स हो तो वो दफा दफा करें. बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं. गले गले.